पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तुझे लगता है मुझे अच्छा लग रहा है उसे ऐसे दुखी करके? मुझे ना, मुझे बहुत बुरा लगता है उसे ऐसे दुखी देख के। मेरी ना जान निकलती है उसे दुखी देखकर। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं उसे जिंदगी भर के दुख परेशानी से बचा रही हूँ। दीप, पर अभी भी ना चाहते वो दुख परेशानी से गुजर ही रही है। वो एक ही बार के लिए गुजरेगी ना, बार बार नहीं सहना पड़ेगा उसे यहाँ रुक के सब कुछ। शालू, मुझे पता है वो यहाँ रहेगी ना तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। वो बहुत दुखी हो जाएगी। वो बहुत दुखी रहेगी, वो पूरे टाइम दुखी रहेगी, मुझे पता है। और तुझे पता है ना कि मैं उसे दुखी देखकर ऐसे नहीं रह सकती हूँ। शालू, मैंने उसके भले के लिए ही उसे डांटा है। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं उसे ऐसे रोज रोज दुखी नहीं देख सकती, रोज रोज उसे परेशानी में नहीं देख सकती। क्या पता ऐसा हो भी ना। ऐसा ही होगा। तू ऐसा कैसे कह सकती है कि ऐसा नहीं होगा? तुझे तो पता है ना सब कुछ। तुझे पता है यहाँ के लोग कैसे हैं। तुझे पता है अगर ऋषि को पता चल गया ना कि पारो उसकी बेटी है, तो वो पारो को मुझसे छीन लेगा और फिर शायद उसे पिता का प्यार भी दे। लेकिन जैसे ही पारो उस पर भरोसा करना शुरू करेगी ना, पारो को छोड़ देगा। कितना वेट किया? पता है क्या हुआ? माँ ने मुझे डांटा। इसलिए कहता हूँ इतनी शैतानी मत किया कर, देखा पड़ गई ना दांत। बच्चे शान प्लीज बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ओके, तो अभी हम थोड़ी देर में रिहर्सल करेंगे। सभी गर्ल्स बॉयज को ये धागा बांधेंगी एंड गर्ल्स आप लोग बॉयज की बहनें बनेंगी, ठीक है बच्चा? एक्चुअली हम लोगों ने प्ले के लिए रक्षाबंधन के थीम को फाइनल किया है। तो अभी जो ये धागा आप लोग के पास है, इसको किस तरीके से बांध रहा है आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा? मुझे पता है उसे वैसे ही छोड़ देगा जैसे उसने मुझे छोड़ दिया। चलू, मैं ऋषि पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? मैं कैसे करूँ उस पर भरोसा? उसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिससे उस पर भरोसा किया जा सके। मुझे याद है ना उसने मुझसे कितना कुछ कहा था, कितनी बार कितना कुछ कहा है उसने मुझसे। उसने मुझसे कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगा। उसने मुझसे कहा कि वो मेरा साथ देगा। उसने मुझसे कहा कि वो कभी भी मुझे किसी को चोट नहीं पहुंचाने देगा। 7 जन्मों के वादे किए उसने मुझसे, और फिर क्या किया? जब दिल में आया बोला कि मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। और तुझे पता है उसने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाला है, लेकिन उसने मुझे इतना दर्द दिया कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसने मुझे इतना दर्द दिया कि मैं खुद उसकी जिंदगी से बाहर चली जाऊं, और जब मौका मिले ना तो मैं उस पर इल्जाम भी ना लगा पाऊं कि उसने ऐसा किया है, क्योंकि छोड़ के तो मैं खुद ही गई। लेकिन उसने मुझे इतना दर्द दिया शालू, उसने इतना बेइंतहा दर्द दिया ना मुझे कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। दूर जाना ही पड़ा मुझे उससे, और उसने मुझे सिर्फ खुद से दूर नहीं किया, उसने सारे वादे मलिष्का को दे दिए। उसने मेरा सारा हक मलिष्का को दे दिया। वो सिंदूर जिस पर मेरा हक था उसने मलिष्का को दे दी। उस पर खुद पर सिर्फ मेरा हक था, वो मेरा ऋषि था। मलिष्का को 7 जन्मों का वादा किया था उसने मुझसे। पहले ही जन्म में मुझे छोड़ के सारे वादे मलिष्का के साथ निभा रहा है वो। दीप, जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं पारो के साथ नहीं होने दे सकती। मैंने सब कुछ सह लिया, फिर भी मैं यहाँ तेरे सामने खड़ी हूँ। मैं जिंदा हूँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए। लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, अगर उसके साथ कुछ हुआ ना, तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं जीते जी मर जाऊंगी। तो चलो बच्चों, शुरू करें। कच्चे धागों का ये रिश्ता, वेरी गुड, बन जाता है बचपन से। क्या बेटा आपसे बन नहीं रहा है? ये देखो ऐसे बांधना है। मरते दम तक साथ निभाए। क्या हुआ तुझे? तू इतनी सैड क्यों है? मैं लक्ष्मी टीचर से बात करूंगा। राखी बन गई? अब तो तू मेरी बहन है, राखी वाली। तू इतनी सैड क्यों है? क्या हुआ तुझे?
बता ना पा रहे हो। इसको क्या हुआ? टीचर मैं देखकर आया एक बार। ये क्या बोल रही है तू? ऐसा ऐसा कभी मत बोलना, ठीक है? कभी मत बोलना। दीप 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 तू आप। हाँ मेरे साथ आ। बैठ। मुझे ना पक्का पता है। जैसे ऋषि को पता चलेगा ना कि पारो उसकी बेटी है, उसे छीन लेगा मुझसे। और मेरे पास पारो के अलावा और कोई नहीं है शानू। मेरे पास सिर्फ वही है। और अगर पारो को किसी ने कुछ भी, अगर उसे किसी ने मुझसे दूर किया या कोई भी दुख दिया ना, तो मैं दी चुप हो जा। पारो को कुछ नहीं होगा दी। पता है क्यों? क्योंकि तू है ना पारो के साथ। दी तू इतनी अच्छी माँ है। तू है ना पारो के साथ। तू है, मैं हूँ। हम पारो तक कभी दुख पहुँचने नहीं देंगे दी, कभी नहीं। और तू बिल्कुल सही बोल रही है। तू जैसा बोल रही ना वैसा ही होगा। हम आज रात की ट्रेन से ही चले जाएंगे वापस गाँव। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। सच में पहली बार देखा ऐसा कोई। अनुष्का क्या हुआ, क्या बोले जा रही हो? अरे भाभी एक खड़ूस सी लड़की मिल गई थी मुझे मॉल में। पता है उसने क्या किया? क्या किया? अरे भिड़ गई मुझसे, लड़ने लगी। एक्चुअली क्या हुआ ना, उसके हाथ में एक ड्रेस थी जो मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन उसने मुझे वो ड्रेस लेने ही नहीं दी। तो अनुष्का वो ड्रेस उसके हाथ में थी तो कैसे लेने देगी? लेकिन तो क्या हो गया, हाथ में ही तो थी, खरीदी नहीं थी ना। मैंने उससे कहा कि तुम कोई और ड्रेस ले लो, अरे दूसरा पीस ही ले लो, लेकिन वो मानी ही नहीं, उल्टा बवाल करने लगी। और पता है मैं आयुष से भी गुस्सा थी। आयुष से क्यों? हाँ क्योंकि उसने मेरी साइड ही नहीं ली। उसने देखा कि वो लड़की मुझसे लड़ रही है लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। मुझे इतना गुस्सा आया ना सच में, लेकिन फिर मुझे बहुत प्यार भी आया। What? हाँ, क्योंकि बाद में मैंने देखा कि आयुष उसकी अच्छी खबर ले रहा था, मुझसे लड़ रही थी ना वो। बाद में आयुष ने उसे अच्छा सबक सिखाया। कितना प्यारा है ना आयुष। But that's really strange. तुम्हारे सामने कुछ बोला नहीं और पीछे से झगड़ा कर रहा था। अच्छा अनुष्का वो लड़की थी कौन? पता नहीं, थी कोई खड़ूस पागल लड़की। लेकिन जाते जाते मैंने देखा कि वो पारो से बात कर रही थी। पारो से बात? ओ, मतलब शालू। हाँ इसका मतलब शालू भी वहाँ आई होगी पारो और लक्ष्मी के साथ। अनुष्का वो कैसी थी दिखने में? मतलब ऐसी थी क्या, थोड़ी चबी सी, काली काली आंखें और मिडिल क्लास सी, ऐसे गरीब सी दिख रही होगी। और उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होगी और हाइट तुम्हारे जितनी होगी एटलीस्ट। हाँ भाभी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल वैसे ही थी वो। एक एक बात सही कही आपने, लेकिन आपको कैसे पता? आप जानती हैं उसे? हाँ जानती हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।